हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम जो ये होता है हफ्ते में 2 दिन, ये कश्मीर के हवाले से जो हालात हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव नोट के हवाले से किया जाता है, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से हम देखते हैं कि कश्मीर को बड़ी नेगेटिव कलर्स में पेश किया गया है। खास तौर पर हमसाए मुल्क के मीडिया और हमसाए मुल्क का जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया है, उसमें कश्मीर को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जाती रही है, और वो काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 370 को एब्रोगेट किया, आर्टिकल 370 और 35A को, उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर में हर तरफ अमन और शांति का गहवारा है। हम देखते हैं कि कश्मीर बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट के बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं। इन बिटवीन कुछ ऐसे ब्लिप्स हुए हैं कि इक्का दुक्का वाकयात जो है टेररिज्म के, वो फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही करते हैं उन लोगों की जो कश्मीर में अमन नहीं चाहते। लेकिन इस हवाले से एक और इम्पोर्टेंट पहलू भी है कश्मीर का, और वो है हमारे रीजनल पॉलिटिकल जो मैप है उसमें जो तब्दीलियां आ रही हैं, उस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है। इस हवाले से एक तो हम जानते हैं कि क्वाड है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने जा हुई है जिसको D8 या डेवलपिंग 8 कहा जाता है। ये 8 मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलायंस, क्वाड जो है वो सिक्योरिटी अलायंस है, ये डेवलपमेंट अलायंस है। तो आज इसके ऊपर बात करने के लिए और इनका कंपैरिजन करने के लिए हमने अपने साथ आज दावत दी है एक दफा फिर इफ्रा अली को, जो रेड लैंटर्न एनालिटिका की रिसर्च एसोसिएट है। तो उनका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। अलहमदुल्ला मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। बस शुक्र है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि क्वाड जो है ये बेसिकली इसको एक सिक्योरिटी अलायंस कहा जाता है, और D8 को एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलायंस कहा जाता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि क्वाड जो है सिक्योरिटी अलायंस से इकोनॉमिक कोऑपरेशन का अलायंस बने, और जो D8 है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलायंस से मुस्तकबिल में एक डिफेंस अलायंस बने, और ये एक दूसरे के एंटेगनिस्ट हो जाए। जी सर, बिल्कुल देखा जा सकता है सर। क्वाड बेसिकली जैसे आपने बोला सर, वो एक सिक्योरिटी अलायंस है जो कि बेसिकली अभी रिसेंटली रिवाइव किया गया है। ये 2007 में इनिशिएट किया गया था, बट अभी 2017 में इसका आइडिया, क्वाड का आइडिया को रिवाइव किया गया है। एंड इसमें जो लीडर्स हैं फ्रॉम 4 डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया, सो दे आर बेसिकली फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। एक काउंटर ग्रुप बनाया जा रहा है टू काउंटर जो चाइना का इकोनॉमिकली एंड जो मिलिट्री माइट है, स्पेशली जो साउथ चाइना सी में दिया गया है, उसके लिए बनाया जा रहा है। अभी ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे D8 मीटिंग जो हुआ, D8 ग्रुप है जो बेसिकली स्टैंड करता है सर डेवलपिंग एट कंट्रीज, इसमें टू एक्सपैंड ट्रेड और मोबिलाइज रिसोर्सेज, इसका मेन जो बोल सकते हैं मेन प्रोपोगेंडा है सर। इसके मेंबर कंट्रीज अगर हम देखें, इसमें बांग्लादेश, ईरान, टर्की, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान है। अभी रिसेंटली इसका एक 10th वर्चुअल मीटिंग हुआ है ऑन इन अप्रैल, 8 अप्रैल को हुआ है सर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए गए इसके दौरान, इस मीटिंग के दौरान सर, वो थे फाइनेंशियल एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंट्रा D8 ट्रेड, यूथ एंगेजमेंट, नॉलेज बेस्ड सिस्टम सर, इन सबको इसमें प्रमोट किया गया है। इसका सर एक और हम अगर पहलू देखें सो इसमें टर्की ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बेसिकली ये जो D8
ग्रुप जो फॉर्म हुआ था ये टर्की के ही इनिशिएटिव से फॉर्म हुआ था एंड इसको रीइन्फोर्स किया गया दोबारा से एंड इसमें जो एक फोकस पॉइंट हम देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं इस्लामिक वो सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं सो टर्की इज अ काइंड ऑफ बिकमिंग द लीडर और इज लीडिंग दिस D8 ग्रुप इसको एक दूसरी नजर से भी देखा जा सकता है सर टर्की हमने अभी रिसेंटली देखा हाउ अर्दगन इज ट्राइंग टू रीइंफोर्स हिज यू नो इमेज एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड सो ये बेसिकली इन कंट्रीज को एक साथ लाकर अपनी ही ड्रीम को रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं इन कंट्रीज से सपोर्ट लेकर इन कंट्रीज को सपोर्ट देकर ही इज बेसिकली ट्राइंग टू रिलिव हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्की जैसे पीछे हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने डिस्कस किया था टर्की किस तरह से कश्मीर के अंदर जो है वो गड़बड़ी करना चाहता है और पाकिस्तान को वो इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है तो उसके बदले कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी जो है खुफिया तौर पर हासिल करना करने की कोशिश भी कर रहा हो सर खुफिया तौर पे तो नहीं सर ये बहुत एविडेंट है कि पाकिस्तान जो है इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट बेस टू टर्की एंड वहां से आर्ममेंट्स को जो है वहां पे उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है सर इस D8 मीटिंग के दौरान एक पॉइंट और बोला गया था कि इन जो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बॉर्डर्स को ईज आउट किया जाए इनके बॉर्डर्स को इनके सिटीजन्स के लिए ईज आउट किया जाए सो सर उसको अगर ये बॉर्डर्स को ईज आउट कर दिया जाएगा सो ऑब्वियसली मिलिट्रीली और इनके आर्ममेंट्स का यू नो इम्पोर्ट और इनका ट्रेड जो है वो और फैसिलिटेट हो जाएगा उसके अगर बॉर्डर्स को खोल दिया जाएगा फॉर देयर सिटीजन्स सो ऑब्वियसली टर्की इज ऑल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तान इंडिया के एंटी स्टैंड में कश्मीर के स्टैंड में काफी जगह टर्की ने और इसके मेंबर कंट्रीज सर अभी रिसेंटली 2019 में बिफोर महाथीर रेजिग्नेशन उन्होंने टर्की का सपोर्ट एंड पाकिस्तान का सपोर्ट किया था ऑन कश्मीर इशू एंड मलेशिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस D8 मीटिंग सो अगर हम देखें सर इसके मोस्टली जो मेंबर्स हैं D8 कंट्रीज जो हैं इसमें मोस्टली कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल म्यांमार सो मलेशिया हो गया पाकिस्तान हो गया टर्की हो गया ये बेसिकली एंटी इंडिया स्टैंड अभी प्रमोट कर रहे हैं सो मलेशिया टर्की और इजिप्ट सॉरी मलेशिया टर्की एंड पाकिस्तान ने भी अपना एक न्यूज चैनल अपना एक टीवी चैनल प्रमोट किया है पाकिस्तान एंड टर्की का TRT चैनल जो बेसिकली एंटी इंडिया स्टैंड को प्रमोट करता है सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर जो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये टर्की जो है बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया जो है उसका जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन हम देखेंगे इट इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज बॉर्डर्स विद बांग्लादेश ऑल्सो सो जो टर्की है वो इनको एक स्टेपिंग स्टोन्स देख रहा है टू यू नो बेसिकली क्रिएट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एंड एंटी इंडिया स्टैंड्स तो इसमें ये जो डेवलपिंग 8 कंट्रीज हैं इसमें सबसे बुरी हालत तो पाकिस्तान की है इकोनॉमिकली जी सर पाकिस्तान की जी बोलिए सर पाकिस्तान के अगर हम देखें पाकिस्तान हैज ऑलवेज लुक्ड आउट फॉर सपोर्ट्स सर इकोनॉमिकली हो गया फाइनेंशियली हो गया सर अभी कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान वॉज बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया अभी पाकिस्तान ने हैव मूव और हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स टर्की सो टर्की में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है फॉर पाकिस्तानीज एंड ऑल्सो फॉर इंडियन कश्मीरीज सर TRT वर्ल्ड में पाकिस्तानीज को रिक्रूट किया जा रहा है विदाउट सीइंग देयर क्वालिफिकेशंस सर सो तो पाकिस्तान को हमेशा से एक सपोर्ट की जरूरत रही है पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज बी इट US ड्यूरिंग द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बी इट सऊदी अरेबिया एंड नाउ टर्की सो इकोनॉमिकली
तो वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड हो गया है। रादर अभी वो ट्राई कर रहा है कि वो अपने टाइज टर्की के साथ स्ट्रॉन्ग कर सके ताकि उसको एक सपोर्ट बेस मिले फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो ये जो क्वाड है, इसमें हम देखते हैं इंडिया शामिल है, और फिर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसमें अब इंडिया को भी टेबल पर दावत दी गई है कि वो भी उसमें अपना जो है वो रोल प्ले करे। तो लेकिन अभी खबर आई है कल के तालिबान ने 16 तारीख को जो इस्तांबुल में इजलास होने जा रहा था पीस टॉक्स का, उसका बाइकाट कर दिया है। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि क्वाड को कॉर्नर करने के लिए और क्वाड को सेबोटाज करने के लिए जो है वो अफगानिस्तान की पीस टॉक्स जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बाइकॉट करवाया जा रहा है ताकि इंडिया को वहां से बाहर किया जा सके, अफगानिस्तान की सो टेबल से टॉक्स के डेफिनेटली अलग। सर, डेफिनेटली सर, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है जो कि अभी तक D8 कंट्रीज का पार्ट नहीं रही है। एंड अभी जो पीस टॉक वहां पे जो कैंसिल करवाया गया है वो बेसिकली एक इनिशिएटिव लगता है कि अफगानिस्तान को खुद D8 कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या उसमें इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए या बेसिकली क्वाड से उसको हटाने के लिए ताकि वो उनका D8 कंट्रीज का सपोर्ट बेस बने रादर देन क्वाड, जो कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन जो है वो काफी हद तक एविडेंट है सर सबके लिए। एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ट्रेड रहा है ऑफ वेपन्स। सो बेसिकली ये जो टॉक्स कैंसिल की गई हैं ये एक उनका इनिशिएटिव लगता है कि अफगानिस्तान को अट्रैक्ट किया जाए टुवर्ड्स द D8 मेंबरशिप और टुवर्ड नॉट एग्जैक्टली मेंबरशिप बट उनको उनके स्टैंड्स पर एक मुस्लिम वर्ल्ड और एक मुस्लिम खलीफेट जो कि अर्दोगन का ड्रीम है सर, उनको रिवाइव करने के लिए, उसको रीइन्फोर्स करने के लिए। तो ये तो ऐसे नजर आता है जैसे अखंड भारत के जो प्रचारक हैं, जो अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं उनके दरमियान, और जो तुर्की की खिलाफत के ख्वाब देखते हैं उनके दरमियान एक रस्साकशी शुरू हो गई है रीजनल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टर्की जो है बेसिकली अखंड भारत का जो आइडिया है उसके टोटली अगेंस्ट है, बिकॉज अखंड भारत की अगर हम बात करें तो उसमें उसमें कश्मीर भी आता है सर। कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का। एंड टर्की ने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है उनके एंटी कश्मीर स्टैंड और एंटी इंडिया स्टैंड के लिए। अभी रिसेंटली सर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए थे जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। सर TRT TV न्यूज में बहुत सारे न्यूज प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया गया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को क्रिटिसाइज किया गया था। सो नॉट ओनली टर्की बट टर्की को हम इनडायरेक्टली ये सब बोल सकते हैं सर, D8 मेंबर्स जो हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टर्की, दे आर वर्किंग इन दैट इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ टर्कीज लीडरशिप। सो अगर टर्की ने अपना ये लीडरशिप बेस बनाया है और वो एंटी इंडिया स्टैंड प्रमोट कर रहा है, सो D8 मेंबर्स जो हैं वो आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, दे विल समहाउ बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टर्की स्टैंड। तो ये जो D8 कंट्रीज हैं, ये जिस तरह आप अफगानिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर भी जाहिर है डाला हुआ है इन्होंने, क्योंकि कराची के जरिए ये डायरेक्ट जो अफगानिस्तान को लैंड रूट है वहां से ट्रेड करने नहीं देते, तो कराची के पोर्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये आप समझती हैं कि D8 यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं ह्यूमन राइट के या इकोनॉमिक फोरम्स हैं वहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं एज अ ब्लॉक अगेंस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू द कश्मीर इशू? ऑफ कोर्स
सर, मैंने अब जैसे पहले ही बोला है, ऐसे यूएन पीस कीपिंग मीटिंग्स जब हुई हैं सर, उसमें टर्की का स्टांस बहुत क्लियर रहा है रिगार्डिंग कश्मीर, सो उसमें मलेशिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर रहा है रिगार्डिंग कश्मीर, एंड ऑफकोर्स पाकिस्तान का तो एविडेंट है ही. सो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो D8 ग्रुप है कैन डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन द यूएस मीटिंग्स और द यूएस पीस कीपिंग मीटिंग्स. एविडेंस इस बात में और है कि इट इज नॉट ओनली यू नो एनविसेजिंग फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड, बट वो अपना सॉफ्ट पावर भी इन दीज रीजन्स को इनहेंस करना चाह रहा है सर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर D8 कंट्रीज को ही देखें सर, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज सर, नाइजीरिया भी इन्वॉल्व है सर. सो टर्की जो है वो अपना बेस जो है ही इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड एंड इनहेंस इट्स बेस. अभी रिसेंटली टर्की में अफ्रीका में टर्की एम्बेसीज को बहुत यू नो स्पीड से बढ़ाया गया है. वहां पे भी रिसेंटली 12 एम्बेसीज थी और अब वहां जाके 42 एम्बेसीज हो गई हैं. सो वो अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बी इट इन द यूएन, बी इट इन यू नो द अफ्रीकन कंट्रीज और बी इट इन द साउथ एशियन कंट्रीज. सो इट इज जस्ट ट्राइंग. सो इसका जो क्रक्स है दैट इज टू यू नो इनहेंस और एस्टैब्लिश इट्स बेस, जो कि अभी you know that is very evident sir. Abhi recently 2019 mein bhi main basically abhi bata rahi hu ki Turkey kaise in D8 countries ke sath milkar apna support base bana raha hai, kaise wo in D8 countries ke sath milke apne ties ko strong kar raha hai, so as wo unke envision ko reinforce kar sake. बांग्लादेश में 2019 में सर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था टर्की के साथ, जहां जिसको रोगस्तान बोलते हैं सर, रोगस्तान, एंड बेसिकली उसमें क्या था, मिडिल और यू नो मिडिल रेंज गाइडेड मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्चर्स को प्रोवाइड किया गया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए गए थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई थी बिटवीन आर्म फोर्सेस. सो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मिलिट्री बेसिस जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को और इंडिया की सिक्योरिटी को भी यू नो इफेक्ट कर सकते हैं इन सम मैनर्स. अभी 2019 में भी कोलारामपुर में एक समिट की गई थी, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे इसके. सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस D8 ग्रुप इज ट्राइंग Turkey through this D8 group is trying to create its base, it's trying to create its stage area ki yahan se wo apne Muslim caliphate aur Muslim world ko lead karne ka jo dream hai wo complete kar saken ya reinforce kar saken. To ye jo surat-e-haal ban rahi hai is ye to ek kisam ka India के खिलाफ इस्तेमाल होगा बहुत आगे मुस्तकबिल में. तो इसको काउंटर करने के लिए क्या क्वाड जो है वो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले कर सकती है D8 को इंडिया परस्पेक्टिव को काउंटर करने में? सर डेफिनेटली कर सकती है. क्वाड जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस है, एंड इफ एनी हाउ इंडिया सिक्योरिटी इज चैलेंज और उसको डिटम यू नो डिमीन किया गया, सो क्वाड एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. अभी बेसिकली वो साउथ चाइना सी के अगेंस्ट उसको काउंटर करने के लिए रिवाइव किया गया है, बट इन फ्यूचर इफ दीज D8 कंट्रीज ट्राइज टू पोजेस सम threat to India or tries to create some anti-India forum, Quad will definitely prove to be a countering platform for those. तो कश्मीर जो है इसको इस मसले को आप कैसे देखती हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है? आपको पता है कि हमारे इलाके पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और पाकिस्तान अग्रेसर है, यूनाइटेड नेशन ने उसको अग्रेसर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे बनाया है कि इस्लामी ममालिक स्पेशली D8 जो है
वो ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो एग्रेसर है और इंडिया जो है वो कल्प्रेट है। तो इस नैरेटिव को D8 के अंदर कैसे फ्रैक्चर किया जाए, D8 के नैरेटिव को कैसे हम फ्रैक्चर कर सकते हैं, आप कैसे देख? सो फ्रैक्चर करने के लिए बेसिकली इन कश्मीर में डेवलपमेंट्स देखी जा सकती हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। कश्मीर का इंक्लूजन, इट वाज बेसिकली इंक्लूडेड इन यू नो इट वाज इंक्लाइंड इन इंडिया मच बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बट एक थ्रेशोल्ड था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का। आफ्टर दैट कश्मीर में डेवलपमेंट्स, कश्मीरीज का इंक्लूजन, कश्मीरीज के यू नो अपॉर्चुनिटीज जो डबल हो गई हैं उनको देखकर यू नो ये क्लियरली कहा जा सकता है कि कश्मीर का स्टेटस इन इंडिया इज मच एंड फार मच बेटर देन पीओजे की और गिलगित बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान। सो उनके स्टेटस को कंपेयर करके उनका यू नो डेवलपमेंटल स्टेटस, उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनके पॉलिसीज को कंपेयर करके ये डेफिनेटली बहुत क्लियर होता है कि कश्मीर इन इंडिया इज मच एंड फार बेटर देन कश्मीर इन पाकिस्तान। सही है, कश्मीर इन इंडिया इज मच बेटर एंड फार डेवलप्ड देन द ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान इन पाकिस्तानी एरियाज। ये तो जाहिर है, ये तो एविडेंट है। इस वक्त भी गिलगित में धरना चल रहा है, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया। हालांकि दो दफा ये बिल पास हुआ है लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो कल से उन्होंने धरना दे के उन्होंने घेराव किया हुआ है चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस का गिलगित में। स्कर्दू में कल मुजाहरे हुए हैं लोड शेडिंग के खिलाफ। हरमंग में हेल्थ वर्कर्स जो है उन्होंने धरना दिया, यानी ऑल अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान आप देखें तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह से आज वहां पे राइट विंग और बल्कि फासिस्ट जो है वो POJK में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, मीरपुर, ये अहम जो शहर हैं इनमें तहरीके लबैक जो है पाकिस्तान, उसके लीडर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी और उन्होंने मंगला का पुल और होलाड़ का पुल जो है उस पर कब्जा करके उसको भी बंद कर दिया हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। तो ये तो चलो एक आज और कल ये मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग वहां पे सोशल और इकोनॉमिक मसाइल के लिए हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट होते हैं। तो आप, मेरे पास आखिरी 30 सेकेंड्स हैं, इसमें अगर आप इसके ऊपर बात करें कि हम कैसे POJK के जो लोगों की जो हालत है इसको कैसे हम इंडियन जो ऑडियंस है या उस तक पहुंचा सकते हैं, क्या करें कि इंडिया के लोगों को भी पता चले कि POJK में लोग कैसे जी रहे हैं। सर उसके लिए सर लीडर्स इम्पोर्टेंटली लाइक यू एंड हु एक्चुअली प्रमोट्स और पोर्ट्रेस व्हाट रियल सिचुएशंस इन POJK आर, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पीपल आर नॉट एग्जैक्टली वो वहाँ का जो रियल पोर्ट्रे मतलब रियल इमेज है वो वन ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। वहाँ की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं वहाँ पे वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। सो वी नीड सम प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज जो एक्चुअली ठीक POJK एंड गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जो वहाँ के इश्यूज हैं वो सही से दिखा सके। है, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज जुड़ने का। हमेशा आपके साथ जब बातचीत होती है तो बहुत सारी नई चीजें और बहुत सारे अच्छे पर्सपेक्टिव जो हमारे नाज़रीन देखते हैं। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हम अब नेक्स्ट सैटरडे को तो प्रोग्राम नहीं होगा लेकिन उससे अगले जो ट्यूसडे को जरूर हम आपके खिदमत में एक दफा फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद यू मिर्ज़ा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।